कि जिस दौर में से आज हम गुजर रहे हैं उनको भी मजबूती देने के लिए कुछ बातों को लेकर के सोच रखा है। वो कायम रहे, वो काम करते रहे और उनको अगर मजबूत करने की दृष्टि से, सहारा देने की दृष्टि से, सहयोग देने की दृष्टि से कुछ और भी कुछ इनिशिएटिव हमको अगर लेने पड़े तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजों को भी हमको करने की आवश्यकता अगर होगी वो भी करने पर विचार करना होगा। और जहां तक हम नए इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट है जिसका जिक्र हमारे साथ साथी यहां पर उससे पहले कर रहे थे, एक नया इनिशिएटिव हमने लिया, वो इसलिए लिया कि खर्च करके कुछ करना चाहिए, कुछ नया भी करना चाहिए। और मुझे इस बात के लिए आप सबका अभिनंदन करना है, आप सब लोगों ने भी मुझे उस सारी चीज के लिए प्रेरित किया, आप सब लोगों ने मुझे उस सारी चीज में आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया, नहीं तो ये सारी चीजें सोची जाती थी लेकिन की नहीं जाती थी, सोचने के साथ ही वो सारी चीजें समाप्त हो जाती थी और छोड़ दी जाती थी। और हमने लिया ये इनिशिएटिव और ये सोच करके कि अगर आगे बढ़ना है तो कदम उठाना पड़ेगा, अगर हम यही सोचते रहे कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे तो इस बात को अगर सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसी परिस्थिति में आगे वही बढ़ता है जो कदम बढ़ाता है, इसलिए हमने सोचा कि कदम बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा करके जब निकले तो आप सबका भी सहयोग और समर्थन उसमें मिला, हौसला भी मिला। और अगर आज की तारीख में हम उसमें कहें कि हम उस सारी चीज के जो है उस दिशा में आगे बढ़ने में सफल हुए, हम मंजिल के करीब पहुंचने की दिशा में आगे बढ़े, जो हमने टारगेट हिमाचल प्रदेश में इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से निर्धारित किया है, तय किया है, उसको हासिल करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है, हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है, यहां की परिस्थितियां भी बाकी प्रदेशों की तुलना में बहुत अलग तरह से थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने ये कदम उठाया है। और उसमें मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और हमारे गृहमंत्री जी भी उसमें आ रहे हैं और भी मंत्री लोग उसमें आ रहे हैं, और उनके आने से स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम को, इस इवेंट को जो है, मैं समझता हूं कि सफलता की ओर बढ़ाने में हमको काफी मदद मिलेगी।